हमारे धार्मिक ग्रंथों में हजारों ऐसे पात्र हैं जिनका उनके समय की घटनाओं में अहम रोल रहा है, लेकिन किसी न किसी कारणवश उनका योगदान दुनिया के सामने नहीं आ पाया। कुछ लोगों का उस समय के राजाओं ने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया और फिर उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालकर अलग कर दिया, तो कुछ लोगों के काम का मूल्यांकन सही नहीं हो पाने के कारण भुला दिया गया। ऐसी ही मिलती जुलती होलिका और इलोजी की प्रेम कहानी है। तो आइए जानते हैं एक और सच जिससे आज तक हम सभी अनजान रहे। राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और पड़ोसी राज्य के राजकुमार इलोजी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इलोजी बहुत ही खूबसूरत राजकुमार थे, उनकी खूबसूरती के आगे देवता भी फीके पड़ जाते थे। होलिका भी बहुत खूबसूरत युवती थी, लोग इनकी जोड़ी की प्रशंसा किया करते थे। दोनों का विवाह भी तय हो चुका था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद के भगवान भक्ति के कारण नाराज रहा करता था। उसने हर कोशिश कर डाली, फिर भी प्रहलाद की आस्था और भक्ति में कोई कमी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे हिरण्यकश्यप की नाराजगी क्रोध में बदलती चली गई और फिर एक दिन उसने प्रहलाद को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वह प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाया। राज्य की प्रजा हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। प्रहलाद के भोले स्वभाव की वजह से सभी लोगों की आशाएं उससे जुड़ी हुई थी। प्रजा प्रहलाद से बहुत प्रेम करती थी। हिरण्यकश्यप ये बात जानता था, इसलिए वह प्रहलाद की मृत्यु को एक एक्सीडेंट का रूप देना चाहता था और यह हो नहीं पा रहा था। एक दिन हिरण्यकश्यप को अपनी बहन होलिका को मिले वरदान की याद आ गई। वरदान के अनुसार होलिका पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसने बहन होलिका को अपनी योजना बताई कि उसे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में प्रवेश करना होगा। होलिका चकित हो गई। वह अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि होलिका ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जिसकी जरा सी क्रोध से परेशान हो जाती थी, उसी की हत्या की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए होलिका ने अपने भाई की साजिश में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप भी होलिका की कमजोरी जानता था। उसने भी होलिका को धमकी दी कि अगर उसने उसका कहा नहीं माना तो वह भी उसकी शादी इलोजी से नहीं होने देगा। होलिका अब बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई। चिंता के कारण उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। एक ओर संत समान मासूम भतीजा था, तो दूसरी तरफ उसका सच्चा प्रेम, जिसके बगैर होलिका जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अंत में मजबूर होकर उसने एक कठिन फैसला लिया और हिरण्यकश्यप की बात मान ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं हिरण्यकश्यप इलोजी की हत्या न करवा दे। तय किए गए दिन होलिका ने अपना वरदान प्रहलाद को दे दिया और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलते हुए आग में प्रवेश कर अपनी जान को बलिदान कर दिया। परंतु होलिका के इस त्याग का किसी को भी पता नहीं चल पाया। यही दिन होलिका और इलोजी के शादी के लिए भी तय किया गया था। इलोजी इन सब बातों से बेखबर अपनी बारात लेकर सही समय पर राजमहल आ पहुँचे। वहाँ आने पर जब इलोजी को सब बातें पता चली तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। इलोजी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। पागलपन का एक तूफान उठ खड़ा हुआ और इसी पागलपन में इलोजी ने अपने कपड़े फाड़ डाले और होलिका होलिका के दर्द भरी पुकार से धरती आकाश गूंज उठा और फिर वो होलिका की चिता पर लौटने लगे। कर्म चिता पर निढाल पड़े अपने आंसुओं से ही जैसे चिता को ठंडा कर अपने प्रेमिका को ढूंढ रहे हो। उसके बाद उन्होंने पूरे जीवन शादी नहीं की, जंगलों में भटकते भटकते सारी जिंदगी गुजार दी। आज भी राजस्थान में उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। राजस्थान के लोकगीत और कहानियों में आज भी होलिका और इलोजी की प्रेम कहानी को याद किया जाता है। वहाँ के लोगों में वे आज भी जिंदा हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो। और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।